Assalamu alaikum, dear 11th class students. My name is Tawshib Ahmad. I am vocational trainer in agriculture, BHS's Kalamabad, and, and my vocational training partner is BABLE. Today I am going to discuss pulling. Pulling is the turning up of soil with tractors, blocks, etc. It is important tillage operation. Pulling is important before sowing as it is helpful in moisture retention and weed control. <coughs> pulling kya hoti hai? इसको इसमें हम सॉइल को टर्न करते हैं विद ट्रैक्टर्स और ब्लॉक्स ये एक इम्पॉर्टेंट टिलेज ऑपरेशन है इससे मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है और वीड्स कंट्रोल हो जाती है एडवेंटेज क्या है पलइंग के नंबर फर्स्ट इज प्रॉपर सीड पेनिट्रेशन एंड कंटैक्ट ऑफ रूट्स विद द सॉइल जब हम सोई करने जाते हैं तो जो सीड होता है वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाता है प्लग लैंड में और कंटेक्ट ऑफ रूट्स विद द सॉइल भी अच्छा हो जाता है जो लैंड प्लगड होगा नंबर सेकंड पॉइंट इज इट इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी बाय इनकॉर्पोरेटिंग ह्यूमस ह्यूमस क्या होता है वेल डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोजन प्रोसेस का जो फाइनल प्रोडक्ट है इसको हम उसको हम ह्यूमस कहते हैं और जो वही ह्यूमस हम इनकॉर्पोरेट सॉयल में करते हैं तो अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट uh, हो जाता है उस लैंड में जो प्लगड होगा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लोइंग का डिस्ट्रॉय वीड्स एंड रिड्यूस वीड ग्रोथ वीड्स किस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो लैंड में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीड्स होगा जब हम प्लोइंग करते हैं तो उसकी वजह से वो अपरूट हो जाते हैं और जिसकी वजह से वीड ग्रोथ कम हो जाती है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इंप्रूव सॉयल एरिएशन आयर इज एसेंशियल फॉर रूट एक्सप्रेशन सो प्लोइंग पलाइंग द दॉयल एरिएशन सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट एडवेंटेज अनदर वन इज डेस्ट्राई इंसेक्ट एंड हार्मफुल पैथोजिनस जो भी इंसेक्ट एग्स हो गए क्योंकि जो इंसेक्ट हैं वह एग्ज ले करते हैं लैंड में जो भी इंसेक्ट एग्ज हो गए तो पलाइंग से वो एक्सपोज हो जाते हैं और डेस्ट्राए हो जाते हैं ये एक एडवेंटेज एक और एडवेंटेज है पलइंग का नाइप्स ऑफ प्लॉ नंबर फर्स्ट इज मोल्ड बोट प्लॉ जनरली प्रेफर्ड चॉइस फॉर पलइंग ऑफ लैंड ये जो मोल्ड बोर्ड प्ला है ये फार्मर्स अक्सर प्रेफर करते हैं प्लाइंग करने के लिए इट हेल्पज इन कटिंग फ्रो सलाइस इट टू इनकॉर्पोरेट वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन प्रेजेंट इन द फील्ड फील्ड में जितनी भी वेजिटेशन होगी प्लांट्स होंगे वो सब इनकॉर्पोरेट हो जाता है मोल्ड बोर्ड पला से नाउ नंबर सेकंड इज डिस्क पला डिस्क पला इट इज डिस्क शेपड और कंकेव शेपड ये भी हेल्पफुल है इट इट इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या होता है अपोजिंग फोर्स होता है लेकिन ये जो डिस्टिक प्ला है ये उस फ्रिक्शन को कम करता है तो ये इट कैन नॉट बी यूजड एट ग्रेट स्पीड इसको हम ज्यादा स्पीड में नहीं चला सकते है. लेकिन इट रिकायर स्लो स्पीड इसको हम कम स्पीड में चला सकते हैं दे कैन बी यूजड इन स्टिकी सॉयल्स ड्राई एंड हार्ड कंडीशनस एंड फॉर डी प्लॉइंग डी प्लॉइंग और अगर जमीन सख्त होगी उस वक्त हम डिस्क पला को यूज कर सकते हैं एक और है रोटेरी पुला। रोटेरी प्ला जनरली हम यूज करते हैं सीड बेड प्रपरेशन के लिए रोटेरी पुला। उनमें डीज प्लज प्लग है ब्लेड फॉर कटिंग सॉयल इनमें टिनी ब्लेड्स होते हैं रोटेरी पुला में और यह हम जनरली सीड बेड प्रेपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं नंबर फोर इज चाइजल और सब सरफेस पुला इट इज यूजफुल एट शेलो डेप्थ्स इसमें डीप हम ज्यादा ज्यादा पुला नहीं करते ये हम शेलो डेप्थ्स के लिए यूज करते हैं ये पॉपुलर है उन एरियाज के लिए जहाँ पर ज्यादा पुलाहिंग करने की और आप, आप सॉइल को टर्न ओवर करने की ज्यादा जरूरत नहीं है इट हैल्पस टू लूज हार्ड pans ऑफ ड्राई soil एंड conservation ऑफ moisture दिस पुला इज़ यूजफुल इन सच लैंड विच हैज़ not बीन अंडर यूज फॉर टाइम और यूजड ऑन बैरन लैंड ये जो चाइजल पुला है ये हम जनरली बैरन लैंड के लिए इस्तेमाल करते हैं जो जमीन बंजर होगी तो वहाँ पर हम अगर वो हम बंजर लैंड को कल्टिवेबल बनाए तो हम चाइज़ल पुला को इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर फाइव इज सबसाइलर सबसॉइलर क्या है इट इज़ सिम्पलर टू चाइजलप्लाई ये सिमिलर होता है चाइजलप्लाई के लिए लेकिन दीज इम्प्लीमेंट्स आर मोस्टली यूजफुल फॉर लैंड रिक्लेमेषन वाटर कंजरवेशन एंड आल्सो इम्प्रूवज ड्रेनेज ये भी हम उसी तरह लैंड रिक्लेमेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ये सब सॉयलर लैंड रिक्लेमेशन क्या होती है जो लैंड हम जो कल्टिवेबल लैंड नहीं होगी उसको हम कल्टिवेबल बना सकते हैं बाई यूजिंग दीज इक्वमेंटस सब सॉयलर तो इसकी वजह से ये हमें Uh, वो कल्टिवेबल लैंड बन जाएगी तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज